मैं सुशील पासी, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। क्या प्रोग्राम है आज रायबरेली कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस और पदाधिकारी और समाज के तमाम प्रबुद्ध वर्ग लोगों ने नवनियुक्त पहली बार मुझे राष्ट्रीय सचिव यानी राष्ट्रीय कमेटी में, जो जननायक राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने मुझे काम करने का मौका दिया है, और रायबरेली से मुझे एक मौका जो दिया है उसका जनता की तरफ से उत्साह है, और मैं अपनी तरफ से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को आभार प्रकट करने के लिए मैं यहाँ पर एक कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के बीच में है। तो कार्यकर्ता हमें बधाई दे रहे हैं और मैं अपनी तरफ से राष्ट्रीय नेतृत्व को आभार प्रकट करने का एक स्वागत समारोह है, आभार समारोह है। रायबरेली जनपद कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन रायबरेली में ये स्थिति आ गई कि किसी भी मोहल्ले में आप सर्च कर लें, हर मोहल्ले की स्थिति बहुत बुरी है, रोडें खराब हैं, सब जगह स्थिति है। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 32-35 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है, और इस समय हम 10 सालों से देश की सरकार के लिए हमारा, तो विपक्ष का हमें मौका मिला है, और जननायक राहुल गांधी जी विपक्ष की भूमिका को रहकर संसद से लेकर सड़क तक हर विषय पर अपनी मांग और अपनी बात रख रहे हैं, हर अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जो सड़कों की हालत है उसमें हम निश्चित तौर पर जो विपक्ष की भूमिका हो सकती है उसको हम निश्चित तौर पर निभाने का काम करेंगे। जिले की कानून व्यवस्था पर क्या कहने के लिए? उत्तर प्रदेश में और देश में अन्याय काल चल रहा है, हर जाति धर्म के खिलाफ अन्याय का माहौल है। अभी मैं इस प्रोग्राम से आने से पहले साक्षरता मिशन के तहत जो तमाम कर्मचारी, तमाम संविदा कर्मी जो साक्षरता मिशन के तहत रखे गए थे, उनको कई कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। तो पूरे देश में अन्याय काल है, और इस अन्याय के खिलाफ ही हमारे देश के जननायक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और सभी को न्याय मिले ये कांग्रेस की विचारधारा है, और वही हमारे संविधान की विचारधारा है। निश्चित तौर पर न्याय के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और आने वाले समय में सभी को न्याय मिले इसके लिए हम लोग युद्ध स्तर पर संकल्प लेने का काम कर रहे हैं।